हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ लॉ वली आज का जो लेक्चर है हमारा वो होगा अबाउट पुलिस पावर्स विच इज़ द नेक्स्ट चैप्टर हमारा अगला चैप्टर है ये और दिस चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर नाइन ऑफ पेपर वन एंड या चैप्टर नंबर नाइन पेपर वन द इंग्लिश लीगल सिस्टम पुलिस पावर्स का उससे थोड़ा सा पहले आपको आ, मैं थोड़ा सा आपको दे दूँ एक ओवरव्यू दे दूँ कि पुलिस पावर जो है वो चीज़ क्या है और ये पुलिस पावर जो है वो क्यों एक चैप्टर है और क्यों हम बीच में पढ़ते हैं एक्चुअली द थिंग इज़ के राइट आपका जो है आपका राइट है लिबर्टी का आपका जो राइट है आपका जो फ्रीडम है मूवमेंट का आपकी लिबर्टी आपकी मूवमेंट ये सारे फ्रीडम्स आपको जो है वो ह्यूमन राइट्स देते हैं ठीक है पुलिस एक्चुअली एक ऐसा काम करती है जो आपके ह्यूमन राइट्स के और आपके फ्रीडम के अगेंस्ट जाता है और वो क्या है कि वो आपकी लिबर्टी को आपसे ले लेते हैं आपकी वो आज़ादी को आपसे ले लेते हैं आपको अरेस्ट करते हैं आपको पकड़ लेते हैं हाथ लगा लेते हैं ये सारे अगर आप देखें नॉर्मली तो ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट चीज़ें हैं लेकिन पुलिस को अगर ये सर्टेन राइट्स ना दिए जाएँ तो जो दुनिया है वो उसमें बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट हो सकता है बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं चैप्टर को शुरू करते हैं और ये चैप्टर जो है पुलिस पावर्स का ये शुरू होता है पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट 1984 से पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट जिसको पेस भी बोलते हैं पी एस सी ई नाइनटीन इसमें एक्चुअली राइट्स और uh, जो लिमिटेशन हैं पुलिस की और जो पुलिस के राइट्स हैं और जो पुलिस की ड्यूटीज़ हैं वो सारी दी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट पुलिस को कुछ राइट्स हैं जो पुलिस के पास होने चाहिए जिसमें राइट टू स्टॉप राइट टू सर्च द सस्पेक्ट्स उसके बाद राइट टू अरेस्ट दैम राइट टू डिटेन दैम राइट टू इंटरव्यू दैम जहाँ नेसेसरी हो उनके फिंगरप्रिंट्स लेना उनके बॉडी सैंप, सैंपल ब्लड सैम्पल्स लेना यूरिन के सैम्पल लेना साइंटिफिक एनालिसिस के लिए और ये सारे राइट्स अगर लॉ नहीं देगा पुलिस को तो इट वुड बी नियरली इम्पॉसिबल टू इन्वेस्टिगेट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और क्राइम्स ठीक है क्राइम इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकता जब अगर आप ये राइट्स ना दें तो तो आप ये साथ ये नहीं कह सकते कि भाई सारा कुछ जो ये इन्वाशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है ये स्टेट की मजबूरी होती है कि पुलिस को इस तरह के राइट्स दिए जाएँ ताकि एक सोसाइटी के अंदर बैलेंस रह रह सके और ये राइट्स और ऑब्लिगेशंस और जो जो ये जो ड्यूटीज़ हैं इनकी लिमिटेशंस जो इसलिए बनाई जाती हैं पुलिस के लिए कि पुलिस भी जो है वो अपनी लिमिट्स में रहे और वो भी अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करे और नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए पुलिस होने का कि जी हम पुलिस हैं तो हम जो मर्जी करते फिरें ऐसे नहीं होना चाहिए ठीक हो गया और यह भी आपका एक राइट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट राइट है ऑल द मेंबर्स ऑफ जनरल लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स का कि वो पुलिस उनको हरास ना करें उनको डिस्टर्ब ना करे ठीक है वो ओवर जीलस पुलिस मैथड से उनको प्रोटेक्शन हासिल हो और इसीलिए इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट ने पुलिस के ऊपर लिमिटेशन और पुलिस को एक एक कह लें कि फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि आपने किस तरह काम करना और किस तरह नहीं करना अब इसके अंदर आ, कुछ कोड्स हैं ए से लेकर जी तक कोड्स ऑफ प्रैक्टिस उन्हें बोलते हैं पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट नाइनटीन एटी फोर में कोड ए जो है वो डील करता है पावर टू तो स्टॉप एंड सर्च के साथ कोड सी जो है वो डील करता है द तो पावर टू डिटेन ट्रीटमेंट एंड क्वेश्चनिंग ऑफ सस्पेक्ट्स के साथ कोड ई e जो है वो डील करता है रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरव्यूज ऑफ सस्पेक्ट्स के साथ कोड एफ़ जो है वो डील करता है विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरव्यूज़ के साथ कोड जी जो है वो डील करता है पुलिस पावर्स ऑफ अरेस्ट के साथ और कोड एच डील करता है डिटेंशन ऑफ टेररिस्ट जो है उनकी डिटेंशन और उनके सारे लुआजात वगैरह के वो कैसे करने हैं ठीक हो गया अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप एंड सर्च स्टॉप एंड सर्च जो है वो सेक्शन वन टू सेवन पेस एस नाइनटीन उसको डील करता है पुलिस के पास ये पावर्स हैं कि वो स्टॉप कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं इंडिविजुअल सस्पेक्ट्स को और इवन व्हीकल्स को ठीक है और जो सेक्शन वन है वो कहता है पुलिस को राइट देता है कि वो स्टॉप एंड सर्च कर सकते हैं इंडिविजुअल और व्हीकल्स को इन पब्लिक प्लेस और पब्लिक प्लेस का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ गलियाँ और सड़कें ही होंगी इट आल्सो एक्सटेंड्स टू प्राइवेट एरियाज़ एंड गार्डन्स अगर पुलिस को पता हो गुड रीज़न ऑफ फॉर बिलीविंग हो कि सस्पेक्ट जो है वो इस एड्रेस पर नहीं रहता लेकिन ये वहाँ खड़ा हुआ है वहाँ पर है तो फिर वो वहाँ जाके भी उसको स्टॉप एंड सर्च कर सकते हैं उसके बाद पुलिस ऑफिसर जो है उसके ऊपर एक उसकी ड्यूटी है कि ही मस्ट हैव रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर सस्पेक्टिंग के उनको कुछ ना कुछ मिलेगा कोई स्टोलन या कोई प्रोहिबिटेड आर्टिकल मिलेगा प्रोहिबिटेड आर्टिकल का मतलब ऑफेंसिव वेपन जैसे नाइव्स हैं और बर्गलरी थेफ्ट करने के लिए कोई चीज़ें बनाई हो या कोई मोटर मोटर व्हीकल ऑफेंस करने के लिए कोई ऐसी चीज बनाई हो फ्रॉड करने के लिए क्रिमिनल डैमेज करने के लिए कोई चीज़ है आपके पास कोई थोड़ा कोई कुछ तो वो आपके पास हो या कोई स्टोलन आइटम आपके पास हो उसके पास रीज़नेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग ये होना चाहिए ठीक हो गया और अगर वाकई ऐसी कोई चीज़ मिल गई है आपसे तो ड्यूरिंग uh, सर्च तो वो चीज़ जो है वो सीज़ कर लेंगे पुलिस वाले ठीक हो गया और स्टॉप एंड सर्च जो है इट डज़ नॉट अमाउंट टू अरेस्ट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको अरेस्ट भी कर रहे हैं ठीक है ज़रूरी नहीं है वो हो सकता है कि आपसे कुछ ना मिले और वो एक अलार्म हो तो आपको छोड़ भी दें लेकिन ये अरेस्ट करने का पहला स्टेप भी हो सकता है अगर आपसे कुछ इस तरह की डेंजरस चीज़ कोई मिल जाती है तो और दूसरा उनका ड्यूटी ये है पुलिस वालों की अगर जो सर्च है वो पब्लिक में की जा रही है तो पुलिस जो है वो सिर्फ आपको रिक्वेस्ट कर सकती है कि अपना आउटर कोट आउटर जैकेट ग्लव्स हैट इस तरह की चीज़ें उतारें कभी भी वो किसी भी इंटीमेट बॉडी पार्ट को एक्सपोज करने का पब्लिक प्लेस में नहीं कह सकते इसको कोड ऑफ प्रैक्टिस ए भी डील करता है कोड ऑफ प्रैक्टिस ए में सारी डिटेल्स और गाइडेंस हैं कि पुलिस ने जब स्टॉप एंड सर्च करना है तो वो कैसे यूज़ करना है अपना ये राइट right, ठीक है और ये स्ट्रेस करती है पुलिस को कि सिर्फ़ एक बंदे के पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स और पर्सनल बिहेवियर की वजह से आप उसको मत रोकें उनको तंग ना करें दे मस्ट हैव अ रीज़नेबल सस्पिशन रीजनेबल ग्राउंड जो कि सिर्फ पर्सनल बेसिस पे बेस ना करते हैं वो एक्चुअल रीजनेबल ग्राउंड हो ठीक है हाँ ये है कि अगर किसी पुलिस वाले के पास किसी सस्पेक्ट की फिजिकल अपेरेंस का कोई डिस्क्रिप्शन है किसी ने दी हुई है डिस्क्रिप्शन तो वो ठीक है तो आप उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन वाले बंदे को रोक सकते हो लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसका शक्ल ऐसी थी या उसका हुलिया ऐसा था या सिर्फ़ इसलिए कि जी उसने पहले भी क्राइम किए हुए थे ये बेसिस नहीं हो सकते आपको किसी को अरेस्ट करने के किसी को रोक के तंग करने के ठीक हो गया और दूसरी बात जो है वो ये है कि स्टीरियोटिपिकल इमेजेस जो हैं ऑफ़ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल नहीं होने चाहिए वो भी एक बेसिस नहीं हो सकता किसी को स्टॉप एंड सर्च करने का या किसी को रोकने का तंग करने का या हरास करने का अरेस्ट करने का सिर्फ ये भी बेसिस नहीं हो सकता कि जी इसने इस किस्म के ड्रेस पहना हुआ था जिस तरह फॉर एग्जांपल हम uh, कभी टेररिस्ट का नाम सुने या इस तरह के किसी चीज़ का नाम सुने तो हमारे माइंड uh, में फॉरन एक्सटीरियर टिपिकली आ जाता है कि जी दाढ़ी और वाइट पगड़ी और इस तरह शलवार कमीज इस तरह करके तो ये ऐसा नहीं होगा ये दीज आर नॉट द वैलिड बेसिस टू अरेस्ट समन और टू स्टॉप एंड सर्च समन जस्ट बिकॉज ही लुक्स इन अ पर्टिकुलर मैनर और जो आपके एक्चुअल ग्राउंड्स हैं टू स्टॉप समवन और टू सर्च समवन वो बेस होने चाहिए इंटेलिजेंस पे ठीक है कि आपको इंटेल है पीछे से कोई इंटेलिजेंस है कोई पीछे से आपका कोई आपका कोई वर्क किया हुआ है आपने किसी पे कि वो बंदा ऐसा दिखता है या ऐसा दिखता है तो ठीक है तो वैलिड है वरना वैलिड नहीं है लेकिन अभी भी ये कहा जाता है कि कुछ स्टीरियोटिपिकल इमेजेस के लोगों को अभी भी ज़्यादा रोका जाता है और अभी भी इस तरह किया जाता है वो तो फिर ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट परफेक्ट पर ये हो नहीं सकता ठीक हो गया उसके बाद ये वाला कोड भी कहता है कि जो पुलिस है वो कभी भी इंटीमेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को एक्सपोज नहीं करेगी ठीक है और जो है लेस सर्च होगी और दूसरा कि अगर कोई जेंडर अगर दूसरा है मतलब फ़ीमेल जेंडर है तो उसको सर्च करने के लिए फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर ही होगी फीमेल कांस्टेबल ही होगी और फिर कहा जाता है कि अगर रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ की वजह से किसी औरत ने अपना मुंह छुपाया हुआ है तो उसने मतलब उसको भी सेम जेंडर की पुलिस ऑफिसर जो है वो साइड पर कहीं ले जाके उसको रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप अपना ये जो निकाब है या कुछ भी है इसको उतार लें या जो भी है वैसे नहीं हो सकता ये मतलब आप किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते उसके बाद जो स्टॉप एंड सर्च अंडर मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स एक्ट के अंदर जो आता है सेक्शन 23 के अंदर ये वो कहता है कि अगर रीजनेबल ग्राउंड हो पुलिस ऑफिसर के पास के सस्पेक्ट के पास पोजीशन में कोई कंट्रोल्ड ड्रग है ठीक है तो द ऑफिसर मे स्टॉप एंड सर्च देम ठीक है देम इंडिविजुअली और एनी व्हीकल ठीक है और वो सीज़ कर सकते हैं उस सब्सटेंस को और कंट्रोल्ड ड्रग्स वो वाली ड्रग्स हैं जो क्लास ए ड्रग्स हैं सच एज कोकेन एंड मैथिडोन उसके बाद क्लास uh, बी है जैसे कैनबी है और एम्फेटामीन है और क्लास सी है जैसे डाइजपैम <coughs> है वगैरह वगैरह और सर्चिज अंडर दिस एक्ट की जो मिस यूज ऑफ ड्रग्स एक्ट नाइनटीन सेवेंटी वन है दे कैन ऑनली बी कैरिड आउट इफ़ द ऑफिसर हैज़ रीज़नेबल ग्राउंड्स फॉर सस्पेक्टिंग दैट दे विल फाइंड वट दे आर लुकिंग फॉर तो रैंडमली आप सर्च नहीं कर सकते ठीक है और इसका भी रिटर्न रिकॉर्ड हाँ पिछला भी मैंने आपको शायद आई गॉट टू मैंशन के जब भी आपने किसी को सर्च करना है कुछ भी मिला है नहीं मिला सर्च करने के बाद एज सुन एज पॉसिबल उसका रिटर्न रिकॉर्ड आपने लाजमी लेना है पुलिस वाले ने और इसमें भी जो भी आपने सर्च किया पुलिस वाले ने कुछ भी पुलिस वाले को मिला नहीं मिला उसका रिटर्न रिकॉर्ड लाजमी है एज सुन एज पॉसिबल उसके बाद टेररिज्म एक्ट 2000 आ जाता है कि अगर उसके अंडर किसी ने स्टॉप एंड सर्च करनी है तो वो कैसे करनी है तो अगर किसी पुलिस ऑफिसर को रीज़न uh, है सस्पेशन है रीजनेबल सस्पेशन है कि कोई व्हीकल या कोई बंदा सस्पेक्ट है जो कि टेररिस्ट है तो उनकी पोजेसन में कोई ऐसी चीज़ है विच कैन बी यूज्ड इन टेररिज्म ठीक है और uh, ये पावर जो है वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं एट एनी टाइम ठीक है कोई ऑथराइजेशन फ्रॉम सीनियर पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्ड नहीं यानी नहीं तो ऑथराइजेशन लेते लेते ब्लास्ट हो जाए और सीनियर ऑफिसर जो है वो डेजिग्नेट कर सकता है कि अ सर्टन एरिया जहाँ पे सस्पिशन हो कि टेररिस्ट अटैक यहाँ पे होना है तो उस पर्टिकुलर एरिए के अंदर जो है वो स्टॉप एंड सर्च व्हीकल्स को लोगों को किया जा सकता है फॉर इफ़ दे हैव रीजनेबल ग्राउंड्स के भाई कुछ हमें मिलेगा ठीक है और इसका भी रिटर्न रिकॉर्ड लेना लाजमी है स्टॉप एंड सर्च के बाद हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं ये वाला चैप्टर भी स्टेप बाय स्टेप चलता है सबसे पहले आपने स्टॉप एंड सर्च किया फिर आपने अरेस्ट किया अरेस्ट करने के बाद आपने उनके साथ ट्रीटमेंट उनकी होगी उनका मतलब डिटेन उनकी डिटेंशन उनकी क्वेश्चनिंग एंड वगैरह वगैरह तो ये स्टेप बाई स्टेप ही हम चलेंगे स्टॉप एंड सर्च हमने कर लिया अब हम अरेस्ट पे आते हैं अरेस्ट को सेक्शन 24 पेस 1984 डील करता है सेक्शंस याद करने की आपको जरूरत नहीं है आप Uh, uh, हाँ ठीक है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर यू नो फाइटिंग फॉर अ वेरी गुड ग्रेड और डिस्टिंगशन और समथिंग तो फिर ठीक है आप सेक्शन याद करें आप कोशिश करें कि आपको पर्टिकुलर सेक्शन का पर्टिकुलर कोड का पता हो लेकिन इफ़ यू अगर आप कहते हो कि नहीं यार मेरा बस ए ग्रेड भी आ जाए तो मैं ठीक है बी भी आ जाए तो चलेगा तो फिर आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है आप अकॉर्डिंग टू पेस अकॉर्डिंग टू पेस अकॉर्डिंग टू पेस करके लिख सकते हैं कोड्स भी याद करने की जरूरत नहीं है हालाँकि कोड्स बहुत थोड़े हैं लेकिन फिर भी मतलब कोर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ प्रैक्टिस आप इस तरह करके लिख सकते हैं सेक्शन ट्वेंटी फोर पेस 1984 एटी फोर अरेस्ट को डील करता है और वो सेट आउट करता है पावर्स के जो पुलिस के पास हैं टू अरेस्ट अ सस्पेक्ट विदाउट वारंट ठीक है दिस पावर्स वर कम्प्लीटली चेंज एट द बिगिनिंग ऑफ 2006 सिक्स बाय द सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड पुलिस एक्ट 2005 सीओसीपीए ए जिसको बोलते हैं ठीक हो गया और सी का जो सेक्शन वन है वो सब्सटीट्यूट हो कर उसने कर दिया था सेक्शन 24 को पेस के अंदर ही उसने मिक्सअप हो गया था उसके अंदर प्रीवियसली अरेस्टेबल ऑफेंस का होना ज़रूरी था अरेस्ट करने के लिए कि वो ऐसा ऑफेंस कर किया हो उसने ऐसा ऑफेंस कर रहा हो या सस्पिशन हो करने की जो अरेस्टेबल हो लेकिन अब अरेस्ट किसी भी ऑफेंस पे किया जा सकता है अब विदाउट वारंट अगर अरेस्ट करना है किसी कांस्टेबल ने तो उसके पास क्या क्या आ, उसको करना पड़ेगा तो सबसे पहले Uh, अगर एक कॉन्स्टेबल विदाउट वारंट अरेस्ट करना चाहता है किसी को तो सबसे पहले वो तब उस इन सिनेरियोस के अंदर कर सकता है कि अगर कोई बंदा ऑफेंस uh, करने लगा हो ही इज़ यू नो अबाउट टू एन ऑफेंस अगर वो कर रहा है ही इज़ कंटिन्यूइंग ही इज़ कमिटिंग ऑफेंस या अगर कॉन्स्टेबल को रीजनेबल ग्राउंड फॉर सस्पेक्टिंग हो कि ये ऑफेंस करेगा ही इज़ अबाउट टू या रीज़नेबल सस्पेशन हो कि ये कर रहा है या कर चुका है तो ही और यहाँ पर ये इन्वॉल्व है किसी ऑफेंस पर तो इन चारों पाँचों पॉइंट्स के अंदर अंदर रह के एक कॉन्स्टेबल एक बंदे को सस्पेक्ट को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है ठीक हो गया ऑल्सो अगर एक कॉन्स्टेबल के पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं सस्पेक्ट करने के कि एक ऑफेंस जो है वो कमिट हो चुका है और तो वो अरेस्ट कर सकते हैं कि विदाउट वारंट एक ऐसे बंदे को जिसपे उनको थोड़ा सा शक हो या शोर शॉट हो कि भाई ये इसी ने किया ही इज गिल्टी ऑफ इट तो वो अरेस्ट कर सकते हैं ठीक है इन एडिशन एक ऑफेंस जो है अगर कमिट हो गया है तब भी उसके बाद भी कांस्टेबल जो है वो अरेस्ट कर सकता है दो पॉइंट्स के अंदर विदाउट अ वारंटी कि एनी वन हु इज़ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस या एनी वन होम दे हैव रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर सस्पेक्टिंग टू बी गिल्टी ऑफ इट कि वो सस्पेक्ट एज अ सस्पेक्ट भी किसी को कर सकते हैं या अगर उनके पास प्रूफ है उन्होंने कोई सीसी टी वी फुटेज देख ली है या इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको पता कि ये बंदा गिल्टी है ठीक है जो मेन गिल्टी है वो तो उसने ट्रायल में ही कोर्ट uh, में ही साबित होना है लेकिन स्टिल अकॉर्डिंग टू द पुलिस तो वो विदाउट वारंट कर सकते हैं Uh, लेकिन ये सारी पावर जो हैं ये सिर्फ तभी एक्सरसाइज हो सकती हैं इफ़ द कॉन्स्टेबल हैज़ रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट इट इज़ नेसेसरी टू अरेस्ट दैट पर्सन ठीक है और कब नेसेसरी होता है किसी को अरेस्ट करना उसकी भी कुछ फॉलोइंग रीजंस हैं सबसे पहली रीज़न है कि उसका नेम और एड्रेस इस्टेब्लिश किया जाए दूसरी रीज़न है कि उसको अपने आप खुद को हार्म करने से या उसकी वजह से किसी को हार्म वो किसी को हार्म ना कर दे उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है टू प्रिवेंट द पर्सन सफरिंग और कॉजिंग फिजिकल इंजरी टू दम और अदर पर्सन उसके बाद टू प्रिवेंट द पर्सन कॉजिंग लॉस और टू डैमेज प्रॉपर्टी और कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक डिसेंसी और ऑब्स्ट्रक्ट द हाई वे और समथिंग ठीक है और टू प्रोटेक्ट अ चाइल्ड और एनी वनरेबल पर्सन उसके बाद टू अलाउ द प्रॉम्प्ट एंड अफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद टू प्रिवेंट द पर्सन फ्राम डिसअपेयरिंग ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वॉरेंट ठीक हो गया गाइडलाइंस जो हैं अरेस्ट की वो कोड ऑफ प्रैक्टिस जी में भी दी गई हैं बट दे आर सिमिलर दे आर द सेम गाइडलाइंस तो हमें दोबारा वह पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके बाद हमारे पास मैनर ऑफ़ अरेस्ट आता है कि अरेस्ट करना कैसे है ठीक है हमें ये तो पता लग गया कि कब करना है कर करना कैसे है करना ऐसे है कि एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ठीक है एज सुन एज प्रैक्टिकबल जब भी प्रैक्टिकबल हो यू हैव टू टेल द पर्सन जब द पुलिस ऑफिसर हैज़ टू टेल द पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज़ बींग अरेस्टेड एंड फॉर वट रीज़न इवन इफ इट इसफेक्टली ऑबियस टू दट पर्सन के मैं अरेस्ट क्यों हो रहा हूँ उनका फिर भी ड्यूटी यार आप लोगों ने बहुत से सीजन में और मूवीज़ में ये देखा होगा जब पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं यूर अंडर अरेस्ट फॉर डूइंग दिस 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 वो कर भी रहा होता है वो उसको रंगे हाथों भी पकड़ते हैं तो उसको बता रहे होते हैं कि यूर अंडर अरेस्ट ठीक है लाइक यू आर अंडर अरेस्ट फॉर डूइंग दिस 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 और टू किलिंग सम्मान और टू यूर अंडर अरेस्ट फॉर थेफ्ट और वट एवर ठीक है यूर निगड्ड फॉर थे मतलब इसके कुछ सेट वर्ड्स नहीं होते ठीक है बस इस तरह बताना है कि दूसरे बंदे को समझ आ जाए ठीक हो गया और जहाँ नेसेसरी हो वहाँ एक ऑफिसर रीजनेबल फोर्स भी यूज़ कर सकता है अरेस्ट करने के लिए ठीक है और वंस द अरेस्ट हैज़ टेकन प्लेस द सस्पेक्ट मस्ट तो बी टेकन टू अ पुलिस फॉर कस्टडी ऑफिसर टू डिसाइड के सस्पेक्ट को डिटेंशन में रखना है कि नहीं रखना और जो ये वर्ड्स वाली बात है इसमें टेलर वर्सेज चीफ कॉन्स्टेबल ऑफ टेम्स वैली पुलिस टू का केस है जिसमें आ, एक नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में आ, बताया गया था एक दस साल के बच्चे को जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था एक <coughs> मेरे ख्याल कोई हो रहा था आ, प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसको उसके ऊपर वो पत्थर फेंक रहा था तो वो टेन इयर्स का लड़का था तो उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और उन्होंने नॉन टेक्निकल जुबान में समझाया बता दिया कि जी यू आर अरेस्टेड तो अपील इस बात पे हुई थी कि जी एक दस साल के बच्चे को समझ नहीं आई होगी कि पुलिस वाले ने जब कहा कि आई एम अरेस्टिंग यू ऑन द सस्पेशन ऑफ वायलेंट डिसऑर्डर ऑन एटीन ऑफ अप्रैल नाइनटीन नाइनटी एट एट हिल्स ग्रो फार्म तो कोर्ट ऑफ अपील ने कहा था कि इट वॉज वेरी मच ईजी वेरी मच अंडरस्टैंडेबल ठीक है और ये लॉफुल अरेस्ट है एक जितने से बच्चे को समझ आती है कि ये क्या बात हो रही है उसके बाद राइट टू सर्च एन अरेस्टेड पर्सन है कि जब एक पर्सन अरेस्ट होता है तो पुलिस के पास राइट है कि उस पर्सन को वो सर्च करें ठीक है और के उसके पास कोई ऐसा आर्टिकल ना हो जो उसकी एस्केप में मदद करे या कोई एविडेंस ना हो रिलेटेड टू दैट ऑफेंस वो उसके पास से ना निकल आए और इफ़ सच सर्च टेक प्लेस इन पब्लिक तो फिर वही आउटर ग्लव्स और आउटर जैकेट उतरवा सकते हैं क्योंकि जो इंटीमेट सर चीज़ें हैं वो आपने पुलिस स्टेशन के अंदर जाके करनी है वो भी सेम जेंडर करेगा वैसे नहीं हो सकती ठीक हो गया उसके बाद हमारे पास डिटेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट्स आ जाते हैं जो कि सेक्शन 56 से 58 तक पेस नाइटेड फोर कोड्स ऑफ प्रैक्टिस सी ई एफ एंड एच जो है वो इनको डील करते हैं कि जब सस्पेक्ट को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले आया जाता है तो कुछ रूल्स हैं जो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स हैं जो उनको ने फॉलो करनी ही करनी है कि उसको कितनी देर वहाँ रखना है और कब जज के पास लेके जाना और कब छोड़ देना वगैरह वगैरह ठीक हो गया और कुछ रूल्स हैं रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल जो हुए हैं कि उनको डिटें जब डिटेन है तो उनके साथ ट्रीटमेंट कैसे करना है क्या क्या उनको कैसे उनके साथ पेश आना है या उनका अब अगला प्रोसीजर क्या करना है उनके साथ और ये सारा जो है वो क, 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 पेस में इंक्लूडेड है और कोड ऑफ प्रैक्टिस सी में भी है मैंशनड है सबसे पहले टाइम लिमिट्स देख लेते हैं जो टाइम लिमिट्स हैं डिटेंशन पे वो ये जनरल रूल ये है कि पुलिस जो है वो 24 फोर आवर्स के लिए जो समरी ऑफेंस के लिए सबसे पहले पुलिस जो है वो 24 फोर आवर्स के लिए एक बंदे को डिटेन रख सकती है आफ्टर दिस पुलिस को ये डिसीजन लेना है कि भाई हमने इसके ऊपर को चार्ज लगाना है ऑफेंस लगाना है या इसको रिलीज़ करना है अगर वो ओफेंस लगा देंगे तो फिर जाकर वो मेजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ले जाएंगे वरना वो रिलीज कर देंगे ठीक है और अगर इंडिक्टेबल ऑफेंस हो तो फर्दर 12 आवर्स मतलब टोटल 36 सिक्स आवर्स के लिए उस बंदे को अरेस्ट किया जा सकता है डिटेंशन में रखा जा सकता है लेकिन ओनली विद द परमिशन ऑफ द सीनियर सुपरिटेंडेंट रैंक और अब ठीक है वरना वो भी ट्वेंटी फोर आवर्स ही है फर्दर जो ट्वेल्व आवर्स आपने रखे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि वो इंडिक्टेबल फेंस करके आया है बंदा तो वो भी आपने विद द परमिशन ऑफ उफ सीनियर ऑफिसर करने हैं वरना नहीं और अगर आपने बियड थर्टी सिक्स जाना है तो फिर आप उनको फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा और मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी उसको 96 सिक्स आवर्स से ज़्यादा इजाजत नहीं दे सकता कि उसको डिटेंशन में रखें इतनी देर के अंदर अंदर यहाँ आपने उसको चार्ज लगाना है उसके ऊपर यहाँ उसको आपने छोड़ना ही छोड़ना ठीक है अगर आपको लगता है किसने किया तो चार्ज लगाएं ट्रायल शुरू करवाएं उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करें नहीं तो फिर उसको छोड़ दें ठीक हो गया और जो डिटेनिंग है मतलब जो डिटेन हुआ हुआ है ही हैज़ द राइट टू बी रिप्रजेंटेड ठीक एंड अपोज सच एन एप्लीकेशन ये भी होता है कि अगर उन्होंने मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी है कि इसको हमने मजीद नाइन्टी सिक्स आवर्स के लिए रखना है या ज़्यादा रखना है तो वो उस एप्लीकेशन को अपोज़ भी कर सकता है उसका लॉयर भी वहाँ कह सकता है कि भाई इसका कोई मकसद नहीं है ये फजूल में पुलिस वाले जो हैं वो तंग कर रहे हैं ज़रूरत ही नहीं है इस बंदे को डिटेंशन में इतनी रखने की उसका ये राइट है ठीक है और जो डिटेंशन है वो वो रिव्यू की जाती है बाय द कस्टडी ऑफिसर ठीक है इनिशियली पहले कि दिस माइट बी यू नो दिस मस बी नो लेटर देन सिक्स आवर्स आफ्टर द इनिशियल डिटेंशन ठीक है सिक्स छः घंटे बाद वो देखता है रिव्यू करता है और इंटरवल्स में नॉट लेस देन नाइन आवर्स के इंटरवल्स इंटरवल में बार बार उसके ऊपर चेक रखता है उस बंदे के ऊपर वो क्या कर रहा है वो ठीक है उसको कोई इश्यू तो नहीं है ठीक है एंड इफ एट एनी टाइम द कस्टडी ऑफिसर बिकम्स अवेयर दैट देर आर नो ग्राउंड्स फॉर कंटिन्यूइंग द डिटेंशन दैन दे आर अंडर अ ड्यूटी टू ऑर्डर एन इमीजिएट रिलीज़ फ्रॉम द कस्टडी अगर उनको अगर उसको पता लग जाए ना कस्टडी ऑफिसर को कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं हमें उसको बिठाया हुआ है फजूल में ना कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना उससे कुछ निकला है ना गल ना कोई मसला नहीं हो रहा मतलब कुछ नहीं मिल रहा और इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज कि उसको हम फजूल में बिठाया हुआ है तो दे दे आर अंडर अ ड्यूटी कि उसकी इमीजिएट रिलीज के वो ऑर्डर दे देगा कि भाई इसको छोड़ दो ठीक हो गया ए, और एक और बात कि अगर एक बंदा कस्टडी में रहता है कस्टडी ऑफिसर जो है उसने रिकॉर्ड रखना है एक एक इवेंट का जो जो वहाँ पे हो रहा है जैसे इंटरव्यूज़ हैं विज़िट्स हैं सेल्फ कोई सेल फोन हैं कोई कॉल्स हैं कोई और बंदा उसके सेल को विज़िट कर रहा है पुलिस ऑफिसर अगर उसके सेल को विज़िट कर रहे हैं तो एक, -एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है जो बाद में ट्रायल में यूज़ भी होती है ठीक हो गया ताकि कल को आप उसका जो लॉयर है वो ये इल्ज़ाम ना लगा दे पुलिस के ऊपर कि इन्होंने इसके साथ बुरा सलूक किया वगैरह वगैरह तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड और प्रूफ होना ज़रूरी होता है अब राइट्स क्या हैं डिटेन पर्सनस के डिटेनीज जो हैं उनके जो राइट्स हैं वो कस्टडी ऑफिसर ने ही बताने होते हैं उनको उनकी उसकी ड्यूटी है कि जैसे वो पुलिस स्टेशन आए तो वो उसने बताना है कि भई यू हैव अ राइट टू इन्फॉर्म समन ऑफ द रेस्ट वो जो कहते नहीं आई वांट माय फ़ोन कॉल वो एक राइट है आपका कि अगर आप अरेस्ट होते हैं तो यू हैव योर फोन कॉल ठीक है फिर उन्होंने उसको ये बताना है कि भाई तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस एक फ्री लीगल एडवाइस मौजूद है अगर तुम्हारा अपना कोई लॉयर नहीं है तो तुम ये फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हो और प्राइवेटली अपने सोलिसटर को कंसल्ट कर सकते हो बीच में कोई भी टांग नहीं आएगा और अगर वो कहे कि अभी मुझे जो है वो सही तरह रेस्ट नहीं किया गया तो इवन ही कैन कंसल्ट द कोर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस वो मांग सकते हैं कि मुझे अपने कोर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस दिखाएं मैं देखना चाहता हूँ आपने मुझे सही तरह रेस्ट किया भी है कि नहीं किया तो ये तीन तो उसके मेन राइट्स हैं ठीक है अब इनको बारी बारी देख लेते हैं सबसे पहले जो राइट है टू हैव समन इन्फॉर्मड ऑफ द अरेस्ट ठीक है तो जो सेक्शन फिफ्टी सिक्स है पेस का वो कहता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है वो नॉमिनेट कर सकते हैं किसी फ्रेंड को रिलेटिव को या कोई और बंदा कोई भी हो सकता है ठीक है जो जिसको जिसके बारे में उसको लगे कि हाँ इसको इंटरेस्ट होगा अगर मैं मतलब बता दूंगा तो ये आगे कुछ कर लेगा बंदा उसकी वेलफेयर का उसको कोई यू नो ख्याल होगा तो उसको बता देता है और जो पर्सन नॉमिनेटेड बाय द डिटेनिंग है ही मस्ट बी टोल्ड ऑफ द अरेस्ट एंड वेयर द पर्सन इज बीइंग हेल्ड उसको ये बताना है कि भाई अरेस्ट हुआ है और ये फलानी फलानी जगह पे अरेस्ट हुआ है और दिस शुड नॉर्मली बी डन एज सून एज प्रैक्टिकेबल जितनी जल्दी हो सके ये करना ही करना है लेकिन इन द केस ऑफ इंडिक्टेबल अफेंसेज जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है वो ऑथराइज़ कर सकता है थर्ट सिक्स आवर्स का डिले इस कॉल के अंदर इन इंडिक्टेबल ऑफेंसेस ठीक हो गया और वो इसलिए ताकि कहीं कॉल पे बंदा कह ना दे के इधर उधर हो जाओ कोई कॉम्प्लेस है तो उसको फ़ोन करके कह दे कि तू भाग जा मैं पकड़ा गया हूँ या फ़लानी फलानी जगह कोई एविडेंस पड़ा हुआ है उसको ख़त्म कर दे जला दे इस तरह की कोई बात ना हो जाए तो इसलिए थर्टी सिक्स आवर्स का वेट हो सकता है इंडिक्टेबल ऑफेंस में ओनली और दिस कैन ओनली बी डन इफ देर आर रीजनेबल ग्राउंडस फॉर बिलीविंग दैट टेलिंग द नेम्ड पर्सन विल लीड टू इंटरफेरेंस हार्म टू एविडेंस फॉर अदर परपजेस टू अदर परसन इवन ठीक है कोई आल्टर हो जाएगा कोई लाइक रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी जो है ऑफेंस uh, के जो आपने पुलिस ने कब्जे में लेनी है वो कहीं गायब ना हो जाए वगैरह वगैरह और कोड सी जो है वो स्टेट करता है कि इन एडिशन टू द राइट टू हैव समवन समन ऑफ अरेस्ट अ डिटेंड पर्सन शुड बी अलाउड टू स्पीक ऑन द टेलीफोन फॉर अ रीजनेबल टाइम टू वन पर्सन ठीक है इफ़ द सस्पेक्ट इज अंडर द एज ऑफ एटीन द पुलिस मस्ट ऑल्सो कॉन्टेक्ट अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इज वेलफेयर एंड इनफॉर्म दम ऑफ द अरेस्ट एज वेल फिर अगर अब अग वो एटीन से नीचे गए तो पुलिस खुद कॉल करती है उसके गार्डियन को उसके पेरेंट्स को कि ये बच्चा ऐसे पकड़ा गया है uh, उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं राइट टू लीगल एडवाइस सेक्शन फिफ्टी एट पेज़ का कहता है कि जो डिटेंड है बंदा उसके पास राइट right है कि वो अपने सोलिसिटर को कांटेक्ट करे ठीक है और दे कैन यूज़ द सिस्टम ऑफ ड्यूटी सोलिसिटर्स ठीक है इफ़ दे वांट फ्री सर्विस और समथिंग ठीक है और इन फैक्ट जो है कि जी कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है वो ट्राई करते हैं टू मेक श्योर दैट द डिटेन आर अवेयर दैट देर राइट टू लीगल एडवाइस उनको पता हो कि उनके लीगल एडवाइस उनका राइट right है कभी कभी ऐसे लोग भी चले जाते हैं कि उनको नहीं पता होता कि लीगल एडवाइस भी हमें मौजूद है हमारे लिए या अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का लॉयर नहीं है किसी को नहीं किसी लॉयर का नंबर शंबर आता तो उनको अक्सर पता ही नहीं होता कि भाई अभी फ्री लीगल एडवाइस भी मिल सकती है अगर हम मांगेंगे तो हमें लीगल एडवाइस वैसे भी मिल सकती है वैसे ड्यूटी सॉलिसिटर्स भी होते हैं जो यहाँ आके हमसे मिल सकते हैं ठीक है थीके? उसके बाद आ, जो कस्टडी ऑफिसर है उसकी ड्यूटी है कि उसने उसको बताना है कि भाई लीगल एडवाइस मौजूद है अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो हम आपको देने के पाबंद हैं हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं ठीक है और ये भी कहा जाता है उस कोड के, के अंदर कि जो पुलिस स्टेशन हैं उन पुलिस स्टेशन के अंदर पोस्टर्स लगे हों जिसमें प्रोमिनंटली डिस्प्ले किया हो एडवर्टाइज़ किया हो कि फ्री लीगल एड इज़ अवेलेबल फ्री लीगल एड इज़ अवेलेबल फ्री लीगल एड इज़ अवेलेबल ताकि एक बंदे को देख के पता चले कि अच्छा फ्री लीगल एड भी कोई चीज़ होती है वो भी अवेलेबल है वरना आम आदमी को कैसे पता एक नॉर्मल एक इंसान को मतलब आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो तो आप लोगों को तो पता है ना कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एक आम आदमी को थोड़ी ना पता है कि फ्री रिगलेट भी कोई चीज़ होती है या अगर हम पकड़े जाएँ तो पुलिस हमें फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड कर सकती है आम बंदे को नहीं पता होता ठीक हो गया और इट इज़ पॉसिबल फॉर अ सीनियर ऑफिसर टू ऑथराइज अ डिले टू अ सस्पेक्ट्स राइट टू सी अ सोलिसिटर ठीक है इन द केस ऑफ एन इंडिक्टेबल ऑफेंस अप टू थर्टी सिक्स आवर्स फिर वही बात है कि इंडिक्टेबल ऑफेंस में डिले हो सकता है हाउ हाउ एवर दिस कैन ओनली अकर इफ देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट गिवन एक्सेस टू अ सोलिसिटर विल लीड टू नंबर वन इंटरफेरेंस विद और हार्म टू एविडेंस और टू अदर पर्सनस या द अल्टरिंग ऑफ अदर्स इन्वॉल्व इन द ऑफेंस अलर्टिंग आई एम सॉरी द अलर्टिंग ऑफ अदर्स इन्वॉल्व इन द ऑफेंस और हिंडरिंग द रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ टेन थ्रू द ऑफेंस के आप वो बंदा जो है वो कहीं अपने सोलिसिटर के साथ मिलकर इंटरफेयर ना करे एविडेंस के साथ किसी बंदे को हार्म ना कर दे या अगर कोई और बंदा इन्वॉल्व है उनको अलर्ट ना कर दे ठीक है और कोई रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी जो, जो होनी है थ्रू द ऑफेंस वो ना गायब करवा दे वगैरह वगैरह इसी तरह एक केस में से सैमुअल में ये स्ट्रेस किया गया था कि दैट इट वुड ओनली बी ऑन ओन रेयर ओकेजन दैट सच ए डिले वॉज जस्टिफाइड ठीक है बहुत रेयर ओकेजन होनी चाहिए कि इतनी आपने 36 सिक्स आवर से एक बंदा बैठा हुआ है और आपने उसको कोई लॉयर ही नहीं प्रोवाइड किया और कोई कॉल ही नहीं करने दी रेयर ओकेजन में होना चाहिए ये आर वर्सिस सैम हमारे पास एक इसका प्रेसिडेंट भी मौजूद है और वो कहते हैं कि इट मस्ट बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द केस नॉट अ जनरल असम्शन दैट एक्सेस टू अ सोलिसिटर माई लीड टू अलर्टिंग द कॉम्प्लेक्स मतलब इसको जनरलाइज ना करें आपके अगर आपने सोलिसिटर प्रोवाइड कर दिया तो मसला होना ही होना है ये रेयर और स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर होना चाहिए आर वर्सिस सैम नाइनटीन और आर वर्सिस ग्रांट टू ये दो इसके हैं ये वाला लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे इससे अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पुलिस इंटरव्यूज़ पढ़ेंगे और ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट्स पढ़ेंगे सर्चिज फिंगरप्रिंट्स और बॉडी सैम्पल्स कैसे लेते हैं वो पढ़ेंगे और आ, मिलेंगे अगले लेक्चर में बाय